Hey guys, what's up? Welcome to another video of Airsoft Gun India. और बहुत से लोगों ने बहुत से लोगों ने कहा था कि पुराने वीडियोस में उनको कुछ बातें समझ में नहीं आई. सो टुडे वी आर मेकिंग अ वीडियो ऑन आवर नॉन फायरिंग रेप्लिका गन. तो यू कैन सी हमारे पास दो नॉन फायरिंग रेप्लिका गन है. आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं थोड़ा सा, है ना. इन दोनों को कंपेयर करेंगे, हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे. तो ये जो गन्स हैं ये हैं कैपलॉक और फ्लिंटलॉक. ये जो है दैट इज कैपलॉक, दिस इज कॉल्ड फ्लिंटलॉक. एंड ये अंग्रेज़ों के ज़माने की गन है, मतलब है ना अंग्रेज़ों के ज़माने में ऐसी गन इस्तेमाल की जाती थी. एंड दिस इज़ वेरी ओल्ड काइंड ऑफ स्टफ़, यू नो. तो ये जो गन्स हैं ये हैंडमेड मिलता है हमारे पास, यू नो. ये जो गन्स हैं ये मशीन मेड नहीं है, ये सब पूरा हाथ से बनाया गया है कारीगरों के द्वारा. सो लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू इस गन के बारे में. लीगल इशूज़ क्या हैं इसके लिए, क्या प्रोसीजर है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम सब इसके बारे में बात करने वाले हैं गाइज. तो फर्स्ट आई विल टेक दिस. ये जो है दिस इज़ कॉल्ड यू नो Caplock, and you're gonna see this is all handmade and it all comes with a serial number. So when you buy this gun, जब इस गन्स को आप बाई करेंगे तो हम आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सर्टिफिकेट के साथ उसके ऊपर यू नो ये मार्क करके देंगे, दैट इज़ योर गन. और आपका आई डी प्रूफ लगेगा, विल गिव यू सर्टिफिकेट विच सेज कि इसके लाइसेंस नहीं रिक्वायर्ड है. 18 जुलाई 2016 को जो रूल आया था उसके अनुसार, बाय दैट आर्म्स रूल, यू नो आपको इसके लिए लाइसेंस नहीं चाहिए. दिस आर नॉन फायरिंग, मतलब ये फायर नहीं होता, ये चलता नहीं है. एंड इट फील सॉलिड, ये बिल्कुल यू नो वुड से बनाया गया है. एंड इट्स ऑल हैंडमेड, बिल्कुल यू नो जैसे रियल हुआ करती थी पुराने ज़माने में, ये वैसा है. इट्स दिस पार्ट इज मेटल, यू नो, एंड दिस इज वुड. सो नो सी इफ यू सी इज वेरी यू नो हैंडमेड काइंड ऑफ स्टफ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा है पीस. एंड दूसरा जो है ये गाइज, दिस इज फ्लिंट लॉक. तो दिस वन इज फ्लिंट लॉक वन, एंड इट ऑल्सो लुक्स वेरी रफ. और ये इस तरह से बनाया जाता है गाइस कि ये बिल्कुल रफ टच दे, बिल्कुल ऐसा आपको फीलिंग दे कि ये पुराने जमाने का है. एंड इट इज़ हैवी, यू नो ये ऑलमोस्ट आई थिंक 1-2 किलो का होगा. सो वी हैव गॉट वेइंग मशीन, एंड लेट मी जस्ट पुट इट राइट हियर. यू गोना से इट्स कॉल्ड 1 किलो एंड 800 ग्राम समथिंग. तो ये ऑलमोस्ट 2 किलो के करीब का होता है, बट इट फील्स हैवी, ये अच्छा फील होता है हाथ में, ये ऐसा नहीं बहुत हल्का लगता है, बट इट इज़ रियली सॉलिड. तो दिस इज अ गार्ड्स, ये नॉन फायरिंग है, ये चलती नहीं है, आप इसको चला नहीं सकते हैं. हाँ, आप इसके साथ फीलिंग जरूर ले सकते हैं कि ये यू नो इसको साफ वगैरह करने का, ऐसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, आप इसे अपने दीवार पर सजा सकते हैं, अपने घर में शोकेस कर सकते हैं कि आपके पास अंग्रेजों के ज़माने की गन्स हैं. हेरा फेरी मूवी में आपने ऐसे गन्स को देखा होगा, फिर हेरा फेरी आई गेस. तो ये वैसी गन्स हैं, इसे फिल्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, शॉर्ट मूवीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली आप दीवार पे टांग के रख सकते हैं. इट विल गिव दैट रॉयल फीलिंग. ये वैसे भी यू नो सब लोग नहीं खरीदते हैं, इट इज़ फॉर द रॉयल काइंड ऑफ पीपल जिन्हें गन का बहुत शौक है. एंड तो ये बेसिकली उनके लिए है जिनके पास यू नो फार्म हाउसेज हैं, बिग हाउसेज हैं, जो एक गन की फीलिंग लेना चाहते हैं, जो गन से बहुत प्यार करते हैं. तो उसे अपने दीवार पर ला के रखिए. एंड गाइज, अगर आपको इसे बाय करना है तो हमारे वेबसाइट पे जाइए, दैट इज़ airsoftgunindia.com. और आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं, दैट इज़ airsoftgunindia facebook.com/airsoftgunindia. गाइज आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए. एंड गाइज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज हम उस पर बहुत से अपडेट देते रहते हैं. एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन को दबाने के बाद ही आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं. नहीं तो क्या होता है कि आपको सब्सक्राइब तो कर लेंगे बट आपको अपडेट्स नहीं मिलेंगे. तो बेल आइकन को दोबारा मत भूलिए. तो अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, सी यू, बाय.